वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2023 का क्वेश्चन पेपर अब तक का ड्यू का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर में माना जाता है कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। अगर आप एक क्वेश्चन को टच कर रहे हो तो उसका एक पार्ट कर पा रहे हो और एक पार्ट आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा पेपर था 2023 में, लास्ट ईयर। करंट 2022 का हो गया है, 2023 का मैं पेपर करवा रहा हूँ और ये आपका लास्ट पेपर है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ आपको फिर वही चीज़ रिपीट होंगी और सारी वीडियो सारा कंटेंट आपको मैंने अवेलेबल करवा दिया है। कोर्स पूरा 100% आपका हो चुका है, क्लियर है। मैं आपको न्यूमेरिकल की क्लासेस मैंने कोर्स के अंदर भी काफ़ी करवाई हुई है न्यूमेरिकल, और अभी मैंने जो लाइव क्लासेस के अंदर भी ले लेकर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा दिए। जो 5-7 न्यूमेरिकल करवाए हैं पेपर में, उनमें से एक आएगा आपका। तो कुछ भी कोर्स में आपका कंटेंट बचा नहीं है, कोर्स 100% आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो करना है वो आपको करना है। आपको लेक्चर को देखना है, आपको लेक्चर को समझना है, लेक्चर को समझ करके आपको इसके आंसर्स को रीड करना है, आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, आपको पेपर में जाकर के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है। उस क्वेश्चन पेपर में एज कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पर है, अगर आपने पूरा कोर्स कवर कर लिया तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो फोल्डर में जाकर के आपको सर्च करना है। तो सारा काम जो है वो अब आपका रह गया है। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट के 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। एक करवा चुका हूँ 2022 का, अब लास्ट क्वेश्चन पेपर 2023 का मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद फिर मेरी लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगी और फिर मैं आपके सिर्फ डाउट्स लूँगा व्हाट्सएप पे। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। तो देखिएगा, 2023 में एक पहला क्वेश्चन आपका आया है। पहला क्वेश्चन आपके पास में, व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ द मेजरिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था बच्चे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है। ये हर क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो ए पार्ट में क्या था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और नेशनल इनकम को काउंट करने का एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। इन दोनों को मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको सुनिएगा। आप जाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फोल्डर का नाम है, उसमें 01 फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपके पास में व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चे। एंड एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक्सपेंडिचर मेथड कहाँ मिलेगा? आप इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग फोल्डर नंबर 2 होगा, उस पर जाना और उसमें 16 लेक्चर देखना, लेक्चर वीडियो नंबर 16 उसमें आप देखना, जिसमें कि आपके पास में एक्सपेंडिचर मेथड को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से बड़े डिटेल में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये मैंने आपको एड्रेस दे दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आपके कंटेंट में नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन पार्ट बी आपका है, कंपेयर द क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरी। बच्चे देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आज बच्चा मुझे कुछ बच्चे डाउट्स में पूछ भी रहते हैं। देखिए, 2 इकोनॉमिस्ट रहे हैं, हर इकोनॉमिस्ट के अपने अपने अप्रोचेस रहे हैं चीज़ों को समझने के और समझाने के। तो 2 इकोनॉमिस्ट आपके सामने हैं, एक का नाम है क्लासिकल्स और केन्सियंस, ठीक है ना, सेकंड इकोनॉमिस्ट है। तो बच्चे क्लासिकल्स इकोनॉमिक्स अप्रोच जो चल रहा था 1930 से पहले ये अप्रोच चलता था पूरे वर्ल्ड में। ये अप्रोच क्या था कि क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को कोई नीड नहीं है इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करने के लिए। नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन में, इकोनॉमी के ग्रोथ में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं बनता है, गवर्नमेंट को कोई रोल नहीं करना चाहिए। फॉर्म को सिर्फ सप्लाई करते रहना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करते रहे। ये कौन कह रहा है? क्लासिकल कह रहा है। बात क्लासिकल्स की कह रहा हूँ मैं। ये कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। लाइक जैसे आप देखते हो ना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देती है अपनी तरफ से इकोनॉमी के अंदर। खैर आज के डेट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैसे है, वो सारा समझा दो। तो आओ मैं समझाता हूँ आपको। आपको देखिएगा क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर जब लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है, लोगों की खरीदने की क्षमता ही कम होती है, तो लोग फिर जब लोगों के पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो फिर लोग डिमांड को कम करते हैं। आपको पता है जैसे जैसे लॉकडाउन हटा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उस समय बहुत सभी लोग ऑलमोस्ट घर बैठे हुए थे, कोई कमाई नहीं कर रहा था, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम थी। तो लॉकडाउन हटते ही लोग मार्केट में नहीं पहुंच पाए, कोई शॉपिंग मॉल वगैरह शॉपिंग में ख़रीदारी नहीं, कुछ भी कोई दुकानदारी किसी की नहीं चल रही थी क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर नहीं थी, कम थी, तो डिमांड कम हो गया। जब डिमांड कम हो जाता है तो आपको पता है जो फार्म होता है उसका स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाता है, बिकता नहीं है, सोल्ड नहीं होता है, वो अनसोल्ड रहता है। अब जब फर्म का पिछला स्टॉक ही नहीं सोल्ड हुआ है तो क्या वो और स्टॉक क्रिएट करेगी? नहीं। अब जब वो और स्टॉक क्रिएट ही नहीं करेगी तो जो एम्प्लॉय है उसके पास में उसको बिठा के पेमेंट करेगी क्या? नहीं, उसको क्या करेगी? फायर करेगी, उसको जॉब से निकालेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है यहाँ से। अब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अब उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परचेसिंग पावर हमारी इकोनॉमी में लोगों की और डाउन हो गई, डिमांड का लेवल और लो हो गया, अनसोल्ड स्टॉक और क्रिएट हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और परचेसिंग पावर कम हुई, फिर से और से डिमांड कम हुआ, देन अनसोल्ड स्टॉक और क्रिएट हुआ और अनसोल्ड स्टॉक हुआ। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गई पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी इकोनॉमी में। 1930 से पहले की कहानी बता रहा हूं मैं, क्या हुआ था। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक जगह से निकल करके पूरे रेस्ट ऑफ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था, पूरे दुनिया ने इस मंदी को फेस किया था। 1930 की मैं बात कर रहा हूं आपको, ये क्लियर है। 1930 के बाद फिर क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यार ऐसे तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट से परचेसिंग पावर बहुत लो है और अब फर्म गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक है, तो अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कैसे ट्रांसफर करें? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि भाई इकोनॉमी कैसे चलेगा वो इकोनॉमी खुद समझ लेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, वो अपने आप ही चलेगा, लोग अपने आप सामान बनाएंगे, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, वो अपना एम्प्लॉयमेंट देगा। ऐसी इकोनॉमी अपने आप ही खुद को मैनेज कर लेती है, अपने आप मैनेज करेगी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इकोनॉमी अपने आप खुद को चलाएगी। 1930 से पहले ये कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड का। बट जब ये अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हुआ और ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, उल्टा ये बढ़ता ही जा रहा था, तब इकोनॉमी तो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा? इंटरफेयर करा। और गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके क्या करा? गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा, फ्लाईओवर बनाए अपने रिजर्व से पैसा निकाल करके। अब एक फ्लाईओवर बनाएगा तो क्या होगा इससे? इससे जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो लेबर होंगे, जो इंजीनियर होंगे, उसको पेमेंट होगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जो रॉ मटेरियल आएगा उस फैक्ट्री में पेमेंट होगा, उस फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट हायर होंगे, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से, इस इनकम को उनके पॉकेट में ट्रांसफर कर देने से क्या होगा? उनकी डिमांड का लेवल बढ़ेगा और डिमांड का लेवल बढ़ने से क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होगा और जब अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होगा तो क्या होगा? और स्टॉक क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट हायर होगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो बहुत सारे लोगों की इनकम बन गई। कैसे इनकम बन गई समझिए इस बात को। मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने आपके ऊपर 100 रुपये खर्च करे, क्या वो 100 रुपये आपने दबा के रख लिए? नहीं, आप मार्केट में लेकर के निकले और उसमें से 80 रुपये आपने मार्केट में खर्च कर दिए, 20 रुपये बचा लिए। अब जो आपने 80 रुपये खर्च करे तो आपके 100 रुपये की इनकम हुई, 100 रुपये का आपने 80 रुपये गुड्स एंड सर्विसेज का आपने यूज़ कर लिया। गुड्स एंड सर्विसेज 80 रुपये का आपने किसी से लिया है, 20 रुपये आपने सेविंग करी है, वो 80 रुपीज़ आपने किसी और को पास किया है जिससे लिया है, तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके दिया था आपको, वो 80 रुपीज़ उसकी इनकम हुई, उसने उसका मान कर चलो कुछ पार्ट सेव कर लिया, 60 रुपीज़ उसने आगे एक्सपेंस कर दिया, तो ये इनकम आगे जनरेट हो गया। तो अब तक मैंने 100 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करा था और आपके 100 रुपीज़ इनकम हो गई और आपने पीछे 80 रुपीज़ एक्सपेंस करा, 80 रुपीज़ किसी और की इनकम हो गई और उसने 60 रुपीज़ पीछे किसी को पे करा, 60 रुपीज़ किसी और की इनकम हो गई, तो इनकम मोर देन 100 रुपीज़ हो गया। जितना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट हो रही है। अगर 100 करोड़ लगाए तो 500 करोड़ के लोगों की इनकम बनी, 500 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का को प्रोड्यूस किया गया इकोनॉमी में। तो इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट करने से हम अपनी इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकाल सकते हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम पुश कर सकते हैं। तो 1930 से पहले जो एक माइंडसेट था ना, उस माइंडसेट को जो 1930 से पहले कि भैया गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी अपने आप ही संभाल लेगी, आप बस सप्लाई करते जाओ, सप्लाई करते जाओ, सप्लाई करते जाओ, सप्लाई अपने डिमांड को खुद ढूंढ लेगी, सप्लाई अपने डिमांड को खुद क्रिएट कर लेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं मीन्स आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मीन्स उसकी परचेसिंग पावर है, इट मीन्स वो खुद ही उस चीज़ को खरीद लेगी। तो सप्लाई अपनी डिमांड खुद ढूंढ लेती है। 1930 पहले से क्लासिकल अप्रोच ये था, लेकिन जब 1930 के बाद जब सप्लाई हो रहा था तो फिर वो अपनी डिमांड नहीं ढूंढ पा रहा था। अब वो हो तो गया, अब ये उसको लेने वाला कौन आएगा? तो वहाँ से मेंटलिटी चेंज हुई और उस चेंजेस में जो कि किसने किए, केन्सियंस इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने बताया कि सप्लाई अपने डिमांड को खुद क्रिएट नहीं करता है। क्लियर है बच्चे? सप्लाई डिमांड नहीं बढ़ा सकता है। ये कहता है सप्लाई डिमांड को क्रिएट करता है। क्यों? आप सप्लाई कर रहे हैं तो हवा में थोड़ी आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट दे करके तो सप्लाई कर रहे हैं, तो लोग उसको खरीद भी लेगा जब लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो फिर केन्सियस ने कहा अगर ऐसी ही बात है आफ्टर 1930 कि सप्लाई लो है मार्केट में, ये अनसोल्ड स्टॉक क्यों पड़ा हुआ है, फिर ये सोल्ड क्यों नहीं हो रहा है? तो केन्सियस ने कहा कि भैया डिमांड होना जरूरी है, डिमांड होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक होगी। अब आपके मोहल्ले में कोई आ जाए कि भैया 2 रोटी जो कोई खिला देगा उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा, आप अपने घर में 2 रोटी बनाने लग जाओगे। डिमांड हुआ तो सप्लाई आ गया अपने आप ही। क्लियर है? तो कहता है कि डिमांड होगा तब जाकर के सप्लाई क्रिएट होती है। तो दोनों की बिल्कुल थ्योरी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दोनों के बिल्कुल थे। क्लियर है बच्चे? तो क्लासिकल्स क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, एंड केन्सियंस क्या कहते हैं, डिमांड क्रिएट्स ऑन सप्लाई। क्लियर है बच्चे? और क्लासिकल क्या कहता है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की कोई नीड नहीं है। केन्सियंस क्या कहता है कि भाई साहब आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लोगों की इनकम बनेगी, लोगों की डिमांड परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक सोल्ड होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर क्रिएट होना चालू हो जाएगा। और आप जितना इन्वेस्ट करेंगे इनकम सिर्फ उतनी ही नहीं होगी लोगों की। अगर आपने एक फ्लाईओवर को बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया तो इकोनॉमी में सिर्फ 500 करोड़ की इनकम नहीं हुई है, उन 500 करोड़ की जो इनकम हुई है उन्होंने भी आगे उस पैसे को खर्च करके गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया है। तो वहां पे और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो पाया और वहां पे और इनकम अगले लेवल पे जनरेट हुई है, उन्होंने भी आगे पास करा और आगे और गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन लिया उन्होंने और आगे और इनकम उन्होंने जनरेट करी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेकर के चलें इसको, तो आप गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट करेगी उससे कहीं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उससे कहीं ज्यादा इनकम जनरेट होगा और इकोनॉमी रन करेगी। तो केन्सियस कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप एक काम करो परचेसिंग। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि फर्म इनको काम नहीं दे रही। फर्म काम क्यों नहीं दे रही? फर्म के पास में अनसोल्ड स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक क्यों है? क्योंकि स्टॉक सोल्ड नहीं है। सोल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि परचेसिंग पावर नहीं है। परचेसिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है। तो एक काम करो गवर्नमेंट, सरकार, आप एक काम करें, आपने जो है टैक्स को कम कर दो जिससे कि लोगों के पास में पॉकेट में पैसा ज़्यादा बचे, लोग डिमांड करें और ये अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में निकले। बैंक से कहती है बैंक आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम करो, इंटरेस्ट रेट को कम करने से लोग लोन लेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग डिमांड करेगी। तो ये कहीं ना कहीं कहता है केन्सियस गवर्नमेंट को कि आपको एक इकोनॉमी को रन करने के लिए इंटरफेयर करना पड़ेगा, बट आपका क्लासिकल्स कहता है कि एक गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 1930 से पहले का कॉन्सेप्ट था, अब तो सब केन्सियस को फॉलो कर रहे हैं उसके बाद से। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? तो अजम्पशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, भैया क्लासिकल तो ये समझता है कि भैया इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहता है। इसका अजम्पशन ये है कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहता है, इकोनॉमी पूरा अपना सप्लाई करता रहे, जितना करना उसको सप्लाई करे, वो पूरे स्टॉक बनाते जाए, कुछ ना सोचे। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा हमारा इकोनॉमी। ये कौन कहता है? ये क्लासिकल्स कहता है। क्यों? क्लासिकल कहता है जितनी सप्लाई हुई है उतनी डिमांड भी तो हो रही है, तो इक्विलिब्रियम पे आ गया ना। क्लियर है बच्चे? क्लासिकल्स व्यूज अबाउट द एडी कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व को कहीं ना कहीं ये अवॉइड करता है। एग्रीगेट डिमांड नाम की कोई चीज होती है। केन्सियस कहता है कि एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है कि आपके पास में एग्रीगेट डिमांड, केन्सियस जो अभी आपने पढ़ा ना बच्चे, अब तो आपको केन्सियस थ्योरी पढ़ाते हैं, क्लासिकल नहीं पढ़ाते। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये कहता है क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड बनता है। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ, आप कंजम्पशन लोगों का बढ़ाओ, या तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे, तो ये एग्रीगेट डिमांड पर फोकस करता है। केन्स व्यूज द अबाउट एडी कर्व, ये एडी कर्व पर फोकस करता है, बट क्लासिकल्स व्यूज अबाउट द एडी कर्व, ठीक है ना। क्लासिकल्स व्यूज अबाउट एएस सप्लाई कर्व, क्लासिकल्स व्यूज अबाउट द एसएल रिलेशंस, रोल ऑफ द मनी फॉर द क्लासिकल। अभी आपको ये चीज़ें अभी आपको समझ में आएंगी। आगे क्वेश्चन क्या, जरा समझिएगा। फर्स्ट अभी एक एक करके मैं ये सारे जो रीज़न है ना, अब इन सब चीज़ों को समझा रहा हूँ। अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट को समझा देता हूँ पहले मैं। हाँ जी, एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है बच्चे कि इकनॉमी हमारी पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे है। आप बस क्या करो, आप बस सप्लाई करते चले जाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता चला जाएगा और इकनॉमी हमारी फुल्ली एम्प्लॉयमेंट के स्टेज को छू के बैठी है, लेके बैठी है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे बता चुका हूँ मैं, शायद आपकी नई ज्वाइनिंग है तो आपको अवेयरनेस नहीं है।